सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम खत्म होने के बाद ही लगातार कमेंट्स के माध्यम से हमें ये बात बताई थी कि पेपर पहले से आउट हो गया था, खासकर व्हाट्सएप पर। पेपर 10 बजे से होना था और 9:20 पर ही व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हो गया था। तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने इस तरीके की सूचना दी थी। इसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी कह रहे थे कि मैम हमारे यहाँ नकल नहीं हुई है। ऐसे भी प्रशिक्षुओं की संख्या कम नहीं है जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके की से नकल नहीं हुई है और बहुत टाइट व्यवस्था थी। और बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी कह रहे थे कि मैम हमारे यहाँ तो क्लास में जब सारे बच्चे बैठ गए, जब पेपर मिलने वाला था, उससे पहले सब लोग एक दूसरे को आंसर बता रहे थे कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, किसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नकल कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन ये नहीं है कि सारे जगहों पर नकल हुई है। क्योंकि मैंने कल ही आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ करके जाते हैं और अपनी मेहनत से एग्जाम देते हैं। तो कुछ बच्चों की वजह से आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ऐसे बच्चे जिनको पेपर मिल गया वो तो बिना मेहनत के ही पास हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए, आपको ये बात दिमाग में रखनी है दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका टारगेट क्या है। आप केवल डीएलएड पास करना चाहते हैं क्या? केवल डीएलएड पास करके आप क्या करेंगे? आपका टारगेट तो है कि आपको सुपर टेट पास करना है। और सुपर टेट आप कब पास करोगे? जब आप यूपी टेट पास करके आओगे तभी आपको सुपर टेट में बैठने को मिलेगा। तो आप सभी का टारगेट क्या होना चाहिए? हमें शिक्षक बनना है, प्राइमरी का टीचर बनना है। तो उसके लिए आपको दिमाग में यही बात रखनी है कि हमारा टारगेट है यूपी टेट और सुपर टेट। तो इसलिए जो भी प्रशिक्षु नकल कर रहे हैं, जो नकल के भरोसे पास हो रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम ही हैं। तो आपको ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं देना है। तो कल के न्यूज़पेपर में भी ये बात निकली थी कि प्रशिक्षु नकल करते हुए पकड़े गए थे। आज के न्यूज़पेपर में भी निकली है, आप देखिए, डीएलएड गणित का पर्चा लीक और रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। 105 बच्चे पकड़े गए नकल करते हुए। बीएन इंटर कॉलेज व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में गड़बड़ी। ये कहाँ का न्यूज है? अंबेडकर नगर का। डीएलएड के गणित की परीक्षा का पर्चा दूसरी बार भी लीक हो गया। आप देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि इसकी भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह, आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को यानी कि पीएनपी को इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह गड़बड़ी दो परीक्षा केंद्रों बीएन इंटर कॉलेज और अकबरपुर एवं राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरिया वन बाजार में हुई। सुचिता तार तार करने में रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। गणित का पर्चा पहले भी लीक हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोबारा परीक्षा कराई। इसके लिए जिला स्तर पर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बीते बुधवार को बीएन इंटर कॉलेज व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में डीएलएड के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 10 से 11 बजे के बीच शुरू हुई। पर्यवेक्षक व आंतरिक सचल दल परीक्षार्थियों की सघन तलाशी करने लगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और कलाई से लेकर बांह तक सवालों के उत्तर लिखे हुए मिले। अब आप सोचिए, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप में से कुछ प्रशिक्षु ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। और दूसरी चीज कि कुछ प्रशिक्षुओं की वजह से सारे बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके का आरोप लग जाता है कि आप भी नकल कर रहे थे, जबकि पता है, कहते नहीं है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बस वही चीज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर 105 बच्चे पाए गए नकल करते हुए। आप सोचिए कि बच्चों के प्रवेश पत्र पर, उनकी कलाई पर, उनकी बाहों पर सवालों के उत्तर लिखे हुए मिले। प्रश्न पत्र से मिलान करने पर पर्चा लीक होने की पुष्टि हुई, यानी कि बच्चों ने उन्हीं सवालों को अपने हाथों पर नोट किया था, अपने कलाइयों पर नोट किया था, जिनका जो पेपर उन्हें पहले से मिल गया था, इस वजह से उन्होंने उनके आंसर लिख लिए थे। इसकी सूचना तत्काल डायट प्राचार्य को केंद्र प्रभारियों ने दी। यहाँ अन्य परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए परीक्षा को जारी रखा गया। केंद्र प्रभारी ने अनुचित सामग्री का प्रयोग करने वाले सभी परीक्षार्थियों के नाम और अनुक्रमांक दर्ज करके डायट प्राचार्य को रिपोर्ट सौंपी। डायट प्राचार्य व केंद्र प्रभारियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कार्रवाई के लिए संयुक्त रिपोर्ट भेज दी। डायट प्राचार्य मनोज गिरी ने कहा कि अनुचित साधन का प्रयोग करते बीएन इंटर कॉलेज में मिले 56 व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में मिले 49 का परीक्षा परिणाम रोकने का परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को पत्र भेजा गया है।
यानी कि जितने भी प्रशिक्षु पकड़े गए हैं नकल करते हुए, इन सभी प्रशिक्षुओं का परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट रोक दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कितना डेंजर काम किया इन बच्चों ने। दोस्तों, अगर आपके पास इतना टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, और दूसरी बात, एक बार आपका पेपर लीक हुआ, आपको पता चल गया था, आपको 7 तारीख को ही पता चल गया था, 7 नवंबर को ही, कि आपका पर्चा लीक हो गया है और आप लोगों को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को पता चल गया था, तो आप लोगों इतने इतना सारा टाइम था दोस्तों, जो प्रशिक्षु नकल करते हुए पकड़े गए, खासकर से उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रशिक्षुओं के पास तो बहुत सारा टाइम था पढ़ने के लिए, स्पेशली केवल और केवल गणित विषय पर, खाली मैथ्स पर आपको फोकस करना था। और अगर आपने अच्छे से फॉर्मूले याद कर लिए होते, अच्छे से आपने कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर ली होती, तो शायद ऐसी स्थिति ना आई होती। तो ऐसे प्रशिक्षुओं की वजह से सारे बच्चे इसकी सजा भुगतते हैं। फर्स्ट टाइम भी क्या हुआ था, यही तो हुआ था, कुछ बच्चों ने नकल किया था, इस वजह से पेपर निरस्त हुआ, उसकी वजह से फिर से पेपर हुआ, फिर से पेपर होने पर भी आप देखिए इतने सारे बच्चे नकल करते हुए पाए गए। जो यहाँ पर जिला अधिकारी हैं अंबेडकर नगर के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि पर्चा लीक होने की जानकारी नहीं है, गंभीर प्रकरण में आरोपियों के पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर मुकदमा दर्ज कराना जरूरी है, डायट प्राचार्य से जानकारी मांगी जा रही है, यानी कि जिलाधिकारी तक ये बात पहुंच गई है। दोस्तों, इस तरीके से ये पूरी बात आपको बतानी जरूरी थी, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अब थर्ड सेमेस्टर की जो भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से अपना सेकेंड सेमेस्टर दे दिया है, वो प्लीज अपने थर्ड सेमेस्टर पर ध्यान दीजिए। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी हम करा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर ऑलरेडी चल रहा है, उसकी क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है। और आप लोगों को दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे देती हूँ, वहां पर भी जा करके आप सभी विषयों की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर की। आप तैयारी अच्छे से बना के चलिए और सभी वीडियोस को देखते हुए चलिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताइए, आपकी सभी समस्याओं को हम दूर करेंगे और आपकी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपीटर सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखें। एक बार फिर से आप सभी को मैं बता दूं कि किसी भी प्रशिक्षु का एग्जाम, खासकर ऐसे प्रशिक्षु जो जिन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया है, जिन्होंने पढ़ाई करके एग्जाम दिया है, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोबारा से एग्जाम नहीं होने जा रहा है। जो भी प्रशिक्षु पकड़े गए हैं आप देखिए, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी, उनके ऊपर मुकदमा होगा, ये सभी प्रक्रिया होगी। लेकिन जो प्रशिक्षु अच्छे से एग्जाम देकर के आए हैं, अब किसी प्रकार से उनकी दोबारा परीक्षा नहीं होगी। तो अब जो भी प्रशिक्षु ये सोच रहे हैं कि बार बार गणित की परीक्षा देनी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोबारा परीक्षा हो चुकी है, आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है, बस आप लोगों का काम अब खत्म हो गया। आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो यही दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य था कि आप लोग डरिए मत, जो भी नकल करते हुए पकड़े गए हैं वो लोग बचेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने सभी विषयों की तैयारी अच्छे से करिए। और आप लोगों को हर तरीके से हम सहयोग कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे दोस्तों। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।